नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मैन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट कैसे हो जाता है। जब आप टोल प्लाजा पर अपनी कार या अन्य व्हीकल लेकर जाते हैं तो वहां पे आपको यूजर फेयर डिस्प्ले पर कभी कभी ब्लैकलिस्ट टैग लिखकर आता होगा। इसका स्वाभाविक सा मतलब तो है कि आपके टैग में बैलेंस लो है, पर ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसा ही हो। कभी कभी इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे KYC का अपडेट न होना, KYC सही नहीं होना, जो KYC में आप डॉक्यूमेंट देते हैं वो सही से अपलोड न होना, धुंधला दिखना, या फिर और भी कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फास्टैग बैंक कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करके जानकारी लेनी चाहिए कि मेरा फास्टैग ब्लैकलिस्ट कैसे हो गया। पर हाँ, ब्लैकलिस्ट टैग होने का सबसे अधिक कारण होते हैं लो बैलेंस, तो पहले अपना बैलेंस चेक कर लें, उसके बाद ही कस्टमर केयर को कॉल करके पूछे कि हमारा फास्टैग ब्लैकलिस्ट क्यों शो कर रहा है। और दोस्तों, एक और रीज़न है कि जब भी आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो जस्ट उस टाइम आप रिचार्ज मत कीजिए, उससे 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आप फास्टैग को रिचार्ज करके रखिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप टोल प्लाजा पे जाके आप फास्टैग रिचार्ज करते हैं तो ब्लैकलिस्ट फाइलें जो है आपकी अपडेट होने में सिस्टम में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से भी आपका ब्लैकलिस्ट रिचार्ज करने के बाद भी शो कर सकता है। तो आप करें क्या कि पहले टोल प्लाजा अगर आपके रास्ते में है तो आप मैप देख के और पहले ही रिचार्ज करके रखें, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ब्लैकलिस्ट के बारे में, फास्टैग ब्लैकलिस्ट क्यों होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।